अन्य साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, पंचायत चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट का अवलोकन करते हैं जो आज कैबिनेट बैठक में लिया गया है। अनुमति दी है, आज कन्या परिसर में 62 भवन निर्माण स्वीकृति अनुसूचित जनजाति विभाग की कन्या को दिए गए। 1993 की धारा 9 का के अंतर्गत जो अध्यादेश पंचायत चुनाव हम कर रहे थे, वो पंचायत चुनाव से संबंधित विधेयक हम हाउस में लाए थे, अपरिहार्य कारणों से नहीं आया। आप सबको मालूम होगा, हमारी सरकार 1993 की धारा 9 के अंतर्गत चुनाव में पंचायत चुनाव करा रही थी और उसमें हम सभी वर्गों को साथ में लेके गए थे, कोई वर्ग हमसे नहीं छूटा था। लेकिन जैसा कि कांग्रेस को डर हार का और जैसा षड्यंत्र रचने का कांग्रेस का स्वभाव, वो हमारे अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमारे अध्यादेश को सही माना और कोई स्टे नहीं दिया। ये फिर हाई कोर्ट में गए, फिर ये डबल बेंच में गए, ट्रिपल बेंच में गए। 4 बार कांग्रेस को मौकी खानी पड़ी हाई कोर्ट में, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को वापस कर दिया और हाई कोर्ट ने उसमें फिर स्टे नहीं दिया। तो एक षड्यंत्र करके गबली केस में इन्होंने हमारे एक बड़े वर्ग, हमारा एक जो सबको साथ सबका विकास ले जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, उसमें इन्होंने एक बट्टा लगाने की कोशिश की और पिछड़े वर्गों के बिना चुनाव कराए जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट से आदेश इनके कांग्रेस के वकील, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस की एक महिला नेत्री जो छिंदवाड़ा की थी, उनके द्वारा लगातार दलीलें देकर इसको डायवर्ट किया। उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी, पंचायत मंत्री जी संकल्प लेके आए विधानसभा के अंदर के बिना पिछड़े वर्ग को छोड़ के चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव में जाएंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रधानमंत्री जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, और सबके विकास को ध्यान में रखते हुए संकल्प पारित किया विधानसभा से कि हम पिछड़ों के बिना चुनाव न हो, इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। उसी दिशा में आज पंचायत मंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव रखा और आज जो अध्यादेश हमारा था, जो हमने पास किया था अध्यादेश, उस अध्यादेश को जो डिलिमिटेशन से संबंधित था, आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस अध्यादेश को वापस लेने के लिए महामहिम राज्यपाल को कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित कर भेजने का निर्णय लिया है। और ये पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया है। इस विषय पर विस्तार से बोलने के लिए मेरे साथ पंचायत मंत्री स्वयं उपस्थित हैं। आपकी कोई जिज्ञासा होगी, आपके कोई सवाल होंगे तो माननीय पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया इस विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे। आप जो भारतीय जी विरोध में थी, मुख्यमंत्री जी